सागर जिले के मालथौन में सचिव संघ ने सार्थक ऐप के जरिए उपस्थिति एवं पंचायत मुख्यालय में निवास करने के आदेश निरस्त करने को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि सचिवों को हर सोमवार और गुरुवार को मुख्यालय पर रहकर कार्य के निर्देश प्रसारित दिए गए जो पंचायत सचिवों के लिए मान्य है, लेकिन इसके उलट पूरे मध्य प्रदेश में सार्थक ऐप के माध्यम से कहीं भी साप्ताहिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर आदेश प्रसारित नहीं है। पहले कुछ जिलों में आदेश किए गए थे जो अब निरस्त किए जा चुके हैं। पंचायत सचिवों को पंचायत मुख्यालय में निवास करने के लिए शासन स्तर पर कोई भी व्यवस्था पंचायतों में नहीं है। पंचायत सचिवों को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण किया गया है और शासन की कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत सचिवों को करना पड़ता है, जिस कारण से साप्ताहिक मुख्यालय पर रहकर कार्य करना असंभव है, जिससे शासन की कई प्रकार की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए सार्थक ऐप के माध्यम से साप्ताहिक उपस्थिति एवं पंचायत में निवास करने का आदेश निरस्त करवाने को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री के लिए आवेदन दिया गया है। ये हम लोगों का सार्थक ऐप लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत सचिवों के लिए दो दिन निर्धारित किए थे, सोमवार और गुरुवार। सोमवार और गुरुवार को हम लोगों को पंचायत मुख्यालय पर उपस्थिति देकर दिन भर कार्य करना है, टाइम टू टाइम वहां पहुंचना है। तो सागर जिले में, मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं, सागर जिले में सार्थक ऐप लागू करके इसमें क्या किया है कि दो दिन के स्थान पर सातों दिन पंचायत मुख्यालय पर उपस्थिति रहने के लिए हम लोगों को बाध्य कर किया जा रहा है। चूँकि क्या है, हम लोग ग्रामीण अमले के कर्मचारी हैं, कई सारी योजनाएं हम लोगों को संचालित करना पड़ती हैं। अगर हम लोग सातों दिन पंचायत में बैठेंगे तो फील्ड का काम नहीं देख पाएंगे, आदर्श विभाग का कार्य नहीं देख पाएंगे। तो इस संबंध में सार्थक ऐप को निरस्त करवाने के लिए माननीय मंत्री महोदय, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भैया के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और वो लोग वो बहुत वजनदारी से वो हम लोगों की बात रखते हैं, शुरू से रखते आए हैं। और बढ़िया, उन्होंने ये कहा कि इसके लिए हम आश्वस्त किया है कि हम इसको ख़त्म करवा देंगे और जिस पर शासन की योजनाएं संचालित हो जाए। अगर हम लोग वहां बैठेंगे तो शासन की योजनाएं पूरी संचालित नहीं हो पाएंगी। मालथौन से भान सिंह यादव, सागर टीवी न्यूज़।